और आप देख रहे हैं सार न्यूज़। मैं रिजवी, मैं अभी मौजूद हूं पटना के गांधी मैदान में। और जैसा कि यहां पर डिज्नीलैंड मेला फिर शुरू होने वाला, जैसा कि आप देखते होंगे लगातार गांधी मैदान में किसी न किसी तरह का मेला लगा रहता है। इससे पहले भी डिज्नीलैंड लगा था, इस बार भी कुछ खास अलग है। क्या अलग है वो हम जानना चाहेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं, क्या क्या अलग। मैं मेले का आयोजक हुआ आशीष कुमार। इस मेले में देश के अनेक राज्यों से आए हुए कारीगरों के द्वारा बनी हुई वस्तु, इसमें से कश्मीर का पश्मीना शाल, पंजाब की पंजाबी जूती, टीकमगढ़ का पीतल, असम का बम्बू, हरियाणा का पर्दा एवं अनेक प्रकार की वस्तुएं इस मेले परिसर में उपलब्ध होगा और मिलेगा। साथ ही साथ बच्चों एवं बड़ों के लिए मनोरंजन हेतु एक से एक वस्तु इस मेले परिसर में मिलेंगे। झूले मिलेंगे, छोटे छोटे झूले एवं बड़े बड़े झूले। बड़ों झूलों में हमारे पास एक से एक रेंजर झूला, सुनामी झूला, अजमेरी नाव, टावर, ब्रेक, ड्रैगन, टोरा टोरा, अनेक प्रकार के झूले की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ बच्चों के लिए मिक्की माउस, थ्री इन वन, स्कॉर्पियो एवं अनेक प्रकार के झूले, जिसमें आप देखते ही आपका दिल खुश हो जाएगा और बच्चों अपना एंजॉय लेना शुरू करेंगे। कब से कब तक ये चलेगा? यह मेला 22 नवंबर से चल करके आपको 5 जनवरी 2024 तक ये मेला चलेगा, जिसमें हम सभी लोगों का, आम पब्लिक के लिए जो हमारे दर्शक होंगे उनके लिए सुविधा के तौर पे हमने एक से एक इसमें सेल्फी जोन के साथ ही साथ हर वीकेंड में हर शनिवार संडे को कुछ नए नए आर्टिस्ट, कलाकार, कारीगरों के द्वारा इसमें मनोरंजन की व्यवस्था की गई है एवं खाने पीने से लेकर घरेलू सामान एवं चटपटी व्यंजन भी एक से एक मिलकर मिलेंगे। पिज्जा, बर्गर, मोमो, सैंडविच, चाट, अनेक तमाम तरह की सुविधाओं से लैस है इस बार। जी जी, इस बार आप अगर मेला घूमना चाहते हैं, बच्चों के साथ छुट्टियां मनाना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, तो एकमात्र विकल्प होगा पटना डिज्नीलैंड मेला। ये और क्या इसमें चार्ज है, क्या एंट्री फीस है? हम लोगों ने चार्ज के तौर पे तो नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोगों ने एक सुविधा शुल्क के तौर पे रखा है, क्योंकि हम आपके लिए इतने सारा कुछ कर रहे हैं, इसके लिए हमें कुछ तो शुल्क चाहिए ताकि हम इसको आपको मनोरंजन दे सके। इसमें हमने प्रवेश शुल्क के तौर पर रखा है 20 रुपया, और झूलों के लिए अलग अलग, झूलों के लिए अलग अलग तरह के रेट है। सब तरह के छोटे बड़े झूले हैं जिसका अलग अलग किराया होगा। क्या टाइमिंग होगा? ये मेले का टाइमिंग हमारा 12 से 1 बजे दिन में, चूंकि सर्दी का टाइम होने के समय तो 1 बजे से इंजॉय करेंगे, रात्रि 9:30 तक ये मेला चलता है। इससे पहले और कहाँ इस तरह का आयोजन? इस तरह का मेले हम पूरे बिहार स्टेट में और झारखंड में हर जगह करते रहते हैं। बिहार शरीफ, नवादा, लखीसराय, पटना, पाटलिपुत्र मेला एवं हजारीबाग, बहुत सारे जगह मेलों का आयोजन किया गया। साथ ही साथ बिहार, भारत के अनेक राज्यों में भी इस मेले का आयोजन किया गया, जैसे हरियाणा में मैंने भी लगाया, कभी यूपी में भी लगाया, झारखंड में भी लगाया, छत्तीसगढ़ में भी लगा। हर तरह की जगह, हर जगह हम लोग घूम करके एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि लोगों को जीविकोपार्जन हो सके। क्या नाम है? आशीष कुमार, हम इस मेले का आयोजक हूँ। देखिए, मेरे साथ मौजूद थे आशीष कुमार जी, जो इस मेले के आयोजक हैं, और उन्होंने कहा कि इस बार वो बहुत कुछ देने वाले हैं, तमाम तरह के खाने से लेके घूमने से लेके तमाम तरह के झूला है और भी बहुत तरह की सुविधाएं हैं। यहाँ 22 नवंबर से ये चलेगा 5 जनवरी तक। एक बार यहाँ पाके आप लोग जरूर विजिट करें, और एंट्री फीस ओनली 20 रुपया है। इनका जो भी हो वो सहायता शुल्क के तौर पर, वो कुछ भी कहें, 20 रुपया एंट्री फीस अंदर जाने का होगा, लेकिन अंदर में जो भी झूले होंगे या जिस चीज़ का भी खर्च होगा वो अलग आपको देना होगा। इस तरह के तमाम ताज़े तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।